हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनिशिएशन ऑफ फिजिक्स। इमेजिन, इन्वेंट, इंस्पायर। लेट्स स्टार्ट इट। हेलो क्लास, आप सभी का स्वागत है लॉज ऑफ मोशन के इस चैप्टर में। बहुत सारे टॉपिक्स है लॉज ऑफ मोशन के और लेंथी भी चैप्टर्स है, इसलिए हमने इसको पार्ट पार्ट में डिवाइड किया। अब जो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, उसका थोड़ा एक रिविजन कर लेते। थोड़ा ऐसे तो नहीं बोलोगे आप लोग कि सर सुबह का ही पता नहीं, तो आपका जो लास्ट क्लास में पढ़ा उसका रिविजन कर रहे, कुछ नहीं होता। चलो लास्ट का एक रिविजन कर लेते, ओवरलुक कर लेते हमने क्या क्या पढ़ा था। इन लास्ट क्लास वी हैव लर्न अबाउट सम टॉपिक्स, वो था इफेक्ट ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑन वेलोसिटी। हमने ये पढ़ा अच्छे से, तो हमें पता है कि जैसे जैसे स्पीड चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज होता है, वैसे वैसे क्या होती है, वेलोसिटी चेंज होती है। वहाँ पे थ्री पॉइंट्स हमें मिले थे। ओके, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबोव दैट द वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द स्पीड एज वेल एज द डायरेक्शन, एंड दैट वेलोसिटी चेंजेस बाय चेंजिंग द स्पीड, कीपिंग द डायरेक्शन सेम, चेंजिंग द डायरेक्शन वाइल कीपिंग द स्पीड सेम, चेंजिंग द स्पीड एज वेल एज द डायरेक्शन। इतने सारे क्वांटिटीज हमें चेंज करने के बाद जो भी वैल्यू मिलती है, उसके हेल्प से वेलोसिटी भी क्या होती है, चेंज होती है। ये सारे पॉइंट्स हमने देखे थे, अच्छे से कवर किए थे। अगर आपने नहीं देखा होगा तो यहाँ पे आई का बटन आएगा आपको यहाँ साइड में, राइट हैंड कॉर्नर के साइड में, तो वहाँ पे जाके आप आई को क्लिक कर सकते हैं एंड यू कैन हैव द ऑल द वीडियोज रिलेटेड टू लॉज ऑफ मोशन। और नेक्स्ट पढ़ा था हम कुछ नोट्स या फिर कुछ टॉपिक्स बोल सकते हैं कि लॉज ऑफ मोशन के जो टॉपिक्स थे वो भी हमने पढ़े थे। जैसे सबसे पहले जो गैलीलियो सर ने था, उन्होंने डिस्क्राइब किया था स्पीड को इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम के। उसमें वेलोसिटी ऑफ साउंड जो रहती है वो 343.2 रहती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट जो रहती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड रहती है, एंड देन द रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज 29,770 मीटर पर सेकंड। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ये राइट डाउन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब इस क्लास में जो टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं उसका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, मतलब सॉरी रिवीजन नहीं, इस क्लास में जो टॉपिक पढ़ने वाले उसके तरफ थोड़ा ध्यान देते हैं। तो हम एक ही टॉपिक पढ़ने वाले और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। ये जो टॉपिक है, आपने जितने सारे कंसेप्ट पढ़ दिए स्पीड के रिलेटेड, या फिर हमने जितने सारे कंसेप्ट लिए स्पीड के एंड वेलोसिटी के, उनको एक जगह करके यहाँ पे डिफरेंस बनाना है। और मैं यहाँ पे आपको इलेबोरेट करूँगा पहले, फिर इलेबोरेट कर एक एक टॉपिक जो एक एक पॉइंट जो है हमारा वो उसको हम इलेबोरेट करेंगे। देन वी आर मैं आपको एक लास्ट में टाइम दे दूंगा, तब आप उसको राइट डाउन कर सकते हैं, या फिर मेरे साथ भी राइट डाउन पॉज करके भी राइट डाउन कर सकते हैं, आपकी मर्जी जैसे आपको करना है। या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिएगा, डाउनलोड करना है तो डाउनलोड कर लीजिए। तो मेरे हिसाब से अगर आप लिखते हो जब मैं बताता हूँ, डेफिनेटली दैट विल सेव योर टाइम एंड एज वेल एज यू विल हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, है ना, साथ साथ आपको वो अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। अब किस बात की दे रहे, लेट्स स्टार्ट इट आवर टॉपिक डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, और वेलोसिटी एंड स्पीड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, 9th का जो स्टेट बोर्ड का एग्जाम रहता है, ओके, जो आपका वीकली एग्जाम रहता है या फिर आपके असाइनमेंट्स में रहता है, तो डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी पूछा गया है। और इसके ऊपर जितने भी हम बात करें ना, उतना कम है, ऐसा टॉपिक है स्पीड एंड वेलोसिटी। और हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े थे यहाँ पे, उसको बस यहाँ पे इलेबोरेट करने वाले हैं, उसको समझने वाले हैं और उसको हम राइट डाउन करने वाले हैं। तो हम उसको मतलब जब डिफरेंस लिखते हैं तो डायरेक्ट लिखते हैं हम वेलोसिटी और स्पीड का, लेकिन मैंने यहाँ पे ऐसे नहीं किया, मैंने आपको यहाँ पे थ्री पार्टीशन किया। जैसे देखिए, डिफरेंशिएटिंग प्रॉपर्टी, कौन से प्रॉपर्टी है जहाँ पे हम वेलोसिटी को और स्पीड को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, विच इज द प्रॉपर्टी हियर वी कैन डिफरेंशिएट वेलोसिटी एंड स्पीड वेरी इजिली। अगर आप यहाँ पे प्रॉपर्टी के ऊपर अगर ध्यान देते हो, तो आपको प्रॉपर्टी अगर समझ में आती है तो यू कैन इजिली डिफरेंशिएट वेलोसिटी एंड स्पीड। आपको यहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होगी, बस आपको क्या रखना है, प्रॉपर्टी को याद रखना है कि विच इज प्रॉपर्टी इज गोइंग टू हेल्प यू टू डिफरेंशिएट वेलोसिटी एंड स्पीड। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट इट। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है डेफिनेशन, ऑलवेज स्टार्ट्स विद डेफिनेशन, क्योंकि डेफिनेशन ही है जो सबसे पहले दोनों को डिफरेंशिएट करने वाली है। तो व्हाट इज डेफिनेशन, डिस्प्लेसमेंट दैट ऑकर्स इन यूनिट टाइम। ये डेफिनेशन हमने लास्ट क्लास में भी देखी थी और बहुत सारे टॉपिक्स में भी हमने इसको कवर अप किया था, मतलब जो हमने किया था लेक्चर्स वीडियो लेक्चर्स अबाउट स्पीड एंड अबाउट वेलोसिटी, तो वहाँ पे भी मैंने ये बताया था आपको, तो वहाँ पे आपको डेफिनेशन याद हो गई होगी। नहीं हो गई होगी तो अभी याद करना है आपको कि द डिस्प्लेसमेंट दैट ऑकर्स इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। द डिस्टेंस, जब डिस्प्लेसमेंट की जगह जब डिस्टेंस आ जाएगा तो उसे क्या बोलने वाले हैं हम, स्पीड।
इसका मैंने बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन दे चुका हूँ, तो इसको अभी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देने की जरूरत नहीं है। बट जो सेकंड हमारे पास टॉपिक है वो है टाइप ऑफ क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी है यहाँ पे, वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है या स्पीड कौन सी क्वांटिटी है। जब हम देखिए यहाँ पे ए से अगर हमें मूव करना है, ओके, तो ये आपका होम है, मैंने ये भी एग्जांपल लिया था, और ये आपका स्कूल है, ओके, बी पॉइंट है वो स्कूल है, क्योंकि ये एग्जांपल हम डेली लाइफ में डेली देखते हैं ना, जिसके लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ ये। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर आपको पूछा गया कि आपका स्कूल किस तरफ है, मतलब किस तरफ है, वेर इज योर स्कूल, तो यू विल गिव द डायरेक्शन, ओके, तो डायरेक्शन साथ बताओगे तो वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, और ये स्ट्रेट लाइन बनने की वजह से यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट आने की वजह से वहाँ पे वेलोसिटी आ जाएगी, मतलब डायरेक्शन आ रहा है वेलोसिटी को, तो डायरेक्शन आ रहा है और मैग्नीट्यूड भी आ रहा है, दैट्स वाई इट्स वेक्टर क्वांटिटी। अब जब हम बोलेंगे डिस्टेंस क्या है आपके स्कूल तक का, तो आप बोलेंगे पहले राइट टर्न ले लो, फिर लेफ्ट टर्न ले लो, फिर ऐसे ऐसे वैसे वैसे करके आपका जो स्कूल आ जाएगा, ऐसे आपको वहाँ पे बोला जाएगा, ओके ना। तो यही डिफरेंशिएट है कि जो वेक्टर क्वांटिटी रहती है उसको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों रहते हैं, लेकिन जो स्केलर क्वांटिटी रहती है उसको मैग्नीट्यूड ही रहता है। तो ये आपको ये याद रखना है कि मैग्नीट्यूड बस स्पीड को रहता है, दैट्स व्हाई स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दो पॉइंट को हमने डिफरेंशिएट किया, पहला डेफिनेशन एंड सेकंड व्हाट इज हमारी क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी जो है हमारी वो है वेलोसिटी, और जो स्केलर क्वांटिटी है वो हमारी स्पीड। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो मैग्नीट्यूड। अब जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड रहता है वो कैन बी जीरो, ओके, जीरो रह सकता है, निगेटिव रह सकता है और पॉजिटिव रह सकता है। तो जीरो का एग्जांपल हमने देखा था, बट निगेटिव का नहीं देखा था, निगेटिव का मैं अभी बताऊंगा आपको। लेकिन जो स्पीड रहती है वो नेवर जीरो, और निगेटिव कभी नहीं रहती, निगेटिव भी नहीं रहती है और जीरो भी नहीं रहती। ये आपको याद रखना है कि जो स्पीड की वैल्यू है वो निगेटिव कभी भी नहीं रहने वाली, क्योंकि हम डिस्टेंस को डायरेक्शन के साथ नहीं लेते हैं, दैट्स वाई स्पीड नेवर बी निगेटिव, और जीरो तो रहने वाली नहीं है। अब जीरो वेलोसिटी कहाँ रह सकती है, आपने देखा होगा कि जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन में, मतलब सर्कल के अराउंड अगर घूमता है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, पूरा जो डिस्प्लेसमेंट है, ओके, या फिर ऐसे भी ले सकते हैं, हम एक पॉइंट ले देंगे, ओके, ए पॉइंट ले लेंगे, बी पॉइंट ले लेंगे और सी पॉइंट ले लेंगे। जब ए से बी, देन बी से सी, एंड देन सी से डी, अगर पार्टिकल, मतलब सी से ए तक अगर पार्टिकल ने मूवमेंट किए, मतलब वापस उसी पॉइंट पे आया है, तो दैट्स व्हाई इट्स डिस्प्लेसमेंट बिकम जीरो, एंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन बिकम जीरो देन वेलोसिटी बिकम जीरो। ये तो आपको पता ही है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जा रहा है, यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जा रहा है, जीरो, लेकिन डिस्टेंस क्या हो रहा है, टू पाई आर। डिस्टेंस क्या हो रहा है यहाँ पे, 2πr। अब डिस्टेंस 2πr होने की वजह से, डिस्टेंस 2πr आने की वजह से यहाँ पे स्पीड जीरो हो सकती है क्या, नहीं। आपने भी देख लिया स्पीड यहाँ पे जीरो हो नहीं सकती और हुई भी नहीं है, ओके। तो मैं यहाँ पे पॉइंट को इलेबरेट कर रहा हूँ, आपको समझ में आए, आपको अच्छी तरह से वो आपके दिमाग में बिठ जाए, इसलिए मैं इतना लेंदी बना रहा हूँ। वरना मैं ऐसे बता सकता हूँ कि ऐसे ऐसे पॉइंट्स है, आप ऐसे ऐसे रट सकते हो, ओके, लेकिन फिर भी ये आपको इलेबरेट करके बता रहा हूँ ताकि आपको पॉइंट आपके दिमाग में बैठ जाए। जब भी आप लेक्चर देखोगे तो तभी डाउट क्लियर होना चाहिए, बाद में अगर डाउट क्लियर होता है आपका जाके तो लेक्चर देखने का क्या फायदा। दैट्स व्हाई यू हैव टू लर्न विद द लेक्चर, जब लेक्चर चालू है तभी लर्न करना चाहिए, चाहे वो किसी का भी क्लास हो। देन देखिए, जब निगेटिव की बात करते हैं ना, तो निगेटिवली क्या होता है, जब फिजिक्स की बात होती है तो फिजिक्स में जो डायरेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन होती है, लेफ्ट डायरेक्शन होती है, बैकवर्ड डायरेक्शन होती है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, बैकवर्ड और लेफ्ट, तो उसे हम निगेटिव साइन से लेते हैं। क्या लेते हैं हम, निगेटिव साइन लेते हैं। यहाँ पे देखिए, जब ए से बी की तरफ मूव किया तो राइट डायरेक्शन, देन बी से सी की तरफ और सी से ए की तरफ जब जाएगा तो बैकवर्ड मूव होता है, तो बैकवर्ड मूव होने की वजह से जो ए से सी का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो निगेटिव हो जाएगा। लेकिन डिस्टेंस के लिए हम डायरेक्शन की बात नहीं करते, डिस्टेंस के लिए हम डायरेक्शन की बात नहीं करते, दैट्स व्हाई डिस्टेंस नेवर बी निगेटिव, और जीरो तो कभी भी होने नहीं वाला है, क्योंकि हम कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल ही करते हैं, ओके। होप सो कि आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा, अगर आया है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेट रहता है, मोटिवेट हो जाऊंगा मैं आपके लाइक से, और आपके लिए मैं ऐसे वीडियो लाता रहूंगा। अगर आप ये शेयर भी करते हो तो दूसरे को जो भी पता नहीं है उनको भी इनके जो नॉलेज है उसकी थोड़ा जानकारी होगी, और वो भी लर्न कर पाएंगे बहुत सारे बेसिक टॉपिक, दैट विल हेल्प यू इन 11th एंड 12th क्लास। डेफिनेटली आई विल टेल यू, दिस विल हेल्प यू इन 11th एंड 12th क्लास टू एनहांस योर नॉलेज। अभी बेसिक नॉलेज है, बेसिक को एडवांस करने का वो आपका तरीका है, आपके पास है, मेरे भी क्लासेस है, आप देख सकते हैं वो, लेकिन आपको जो बेसिक करवाना है तो यही बेसिक है। लॉज ऑफ मोशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर है, जो आगे जाके आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है चेंज ऑफ डायरेक्शन।
अरे अभी तो लास्ट क्लास में पढ़ा था डायरेक्शन चेंज किस पे होता है, स्पीड पे होता है क्या? नहीं, किस पे होता है? वेलोसिटी पे होता है। तो वी कैन से दैट हमारा डिफरेंशिएशन, देखिए जो हमने पढ़ा था उसको डिफरेंशिएट कर, वही पॉइंट ले रहे हैं हमने। ओके, तो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज करने की वजह से कौन चेंज होगा? वेलोसिटी चेंज होगी, बट स्पीड चेंज होगी क्या? नहीं। तो स्पीड जो रहेगी थ्रू आउट द मोशन सेम रहने वाली है, क्योंकि हमने अभी तो देखा था, मतलब लास्ट क्लास का वीडियो लेके देख सकते हैं, आपको इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने जो देखा था, मतलब वीडियो क्लास जो हमारा इसके पहले का जो वीडियो क्लास है, अगर आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करते हो राइट हैंड कॉर्नर में, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आई बटन पे क्लिक करने के बाद प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको लॉज ऑफ मोशन की, वहां से आप वो वीडियो जरूर देख सकते हो। तो हमने वहां पे देखा था कि अगर स्पीड एंड डायरेक्शन चेंज होता है, स्पीड एंड डायरेक्शन चेंज होता है तो वेलोसिटी चेंज होती है। तो डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो कौन चेंज होगा? ओनली वेलोसिटी विल बी चेंज, नो अदर क्वांटिटी विल बी हैम्पर्ड बाय द डायरेक्शन। स्पीड तो होने ही वाला नहीं है, स्पीड होने ही वाला नहीं है। ओके, ये पॉइंट ना आगे जाके आपको और एक्सेलरेशन जो पॉइंट आएगा वहां पे यूज करना है, तो आपको ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको रट लेना है। डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज होती है। अगर आपको रटने की भी जरूरत नहीं है, अगर मेरा वो वीडियो लेक्चर देखा होगा आपने, तो आपको बहुत इजीली वो समझ में आ जाएगा। वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन, ये हमने देखा था। अब जो नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है जिससे हम कर सकते हैं, वो है इंटर रिलेशन। तो इंटर रिलेशन क्या है दोनों में, मतलब स्पीड को हम वेलोसिटी से कैसे इंटरलेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए, एन ऑब्जेक्ट में पजेस, मतलब उसके पास हो सकती है डिफरेंट वेलोसिटी बट सेम स्पीड। ओके, तो इसको हम एग्जाम्पल के हेल्प से इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। मान लीजिएगा एक पार्टिकुलर जो ए से बी की तरफ मूव हो रहा है, ओके, ए से बी की तरफ मूव हो रहा है ऐसे, तो थ्रू आउट द मोशन फ्रॉम ए टू बी, थ्रू आउट द मोशन फ्रॉम ए टू बी, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज 5 मीटर पर सेकंड। उसने अपनी स्पीड चेंज ही नहीं की, बट बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन वेलोसिटी चेंजेस थ्रू आउट द मोशन, वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। दैट्स वाई वी कैन से दैट द वेलोसिटी चेंजेस, वेलोसिटी चेंजेस इवन इफ स्पीड रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द मोशन। ओके, जब भी स्पीड कॉन्स्टेंट से मोशन कर रहा है फिर भी उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन। ये समझ में आ गया? तो या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं, ओके, तो सेकंड टॉपिक जो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि स्पीड मे बी और मे नॉट बी इक्वल टू वेलोसिटी। ओके, यहाँ तो इक्वल नहीं है, पता चल गया आपको एग्जाम्पल। अब इक्वल नहीं है यहाँ पे एग्जाम्पल, पता चल गया। अब इक्वल वाला एग्जाम्पल अगर देखेंगे हम, तो यहाँ पे देखिए ए से बी, ए से बी, देखिए ये टॉपिक ना हमने बहुत अच्छे से कवर अप किया है इफेक्ट ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन में, जो अनजाने में आपका टॉपिक क्लियर हो चुका है, बट फिर भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि वो आपको अच्छे से और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन होने की वजह से जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, इतना तो आपको पता ही है। स्ट्रेट लाइन होने की वजह से जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो गया, तो डिस्टेंस पे कौन डिपेंड करता है? स्पीड डिपेंड करता है। और डिस्प्लेसमेंट पे कौन डिपेंड करता है? वेलोसिटी डिपेंड करता है। यहाँ पे इक्वल हो गया और यहाँ पे अनइक्वल हो गया, तो इक्वल कब होगा? तो अगर आपको पूछा गया क्वेश्चन, तो बताइए कि इक्वल कब होता है जब स्पीड एंड वेलोसिटी, तो आपको झट से दिमाग में आना चाहिए कि जब हमारे डिस्टेंस और हमारा डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाएगा, तब हमारी वेलोसिटी एंड स्पीड इक्वल हो जाएगी। चाहे भगवान भी अगर पूछे आपको कि कब होता है, तो यू कैन प्रूव इट वेरी इजीली विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, विद द हेल्प ऑफ योर एक्सप्लेनेशन। तो आप उसे बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हो। बहुत सिंपल सी बात है कि जब भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाएगा, तब हमारी स्पीड एंड वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी। ओके, ये कंसेप्ट सबको आता है, ऐसे नहीं कि आता नहीं है, बट अगर आप उसे लेते हो अपने दिमाग में और उसको एप्लीकेबल करते हो कि किस तरह से उसके हम उसको हम अप्लाई कर सकते हैं, देन एंड देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड इट। ओके, सिंपल वे टू अंडरस्टैंड टू अप्लाई, तो जब आप अप्लाई करेंगे तभी समझ पाओगे कि ये इस तरह से है। होप सो कि मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन में अगर गोल गोल घूम रहा है, तो उसकी जो वेलोसिटी रहती है ना वो टेंजेंशियल रहती है। ये हम देखने वाले सर्कुलर मोशन का टॉपिक, जो आपको यहाँ पे इसी चैप्टर में आपको सर्कुलर मोशन जो चैप्टर है उसमें हम देखने वाले। तो वेलोसिटी कैसे रहती है? टेंजेंशियल। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी रहने की वजह से देखिए यहाँ पे, तो वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है।
वेलोसिटी क्या हो रही है यहाँ पे, चेंज हो रही है। लेकिन स्पीड अगर उसके देख लिया हमने, स्पीड जो पार्टिकल की स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकंड से मूव हो रहा है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम फैन का रोटेशन देख सकते हैं। जब हमने फैन की रोटेशन की स्पीड अगर कांस्टेंट रख ली, ओके, उसकी स्पीड कांस्टेंट है बट वेलोसिटी क्या होती है, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से पॉइंट टू पॉइंट क्या होता है, चेंज होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट किस में यूज करते हैं हम, दोनों को भी मीटर पर सेकंड में ही यूज करते हैं। बट आपको यहाँ पे क्वांटिटी याद रखना है कि क्वांटिटी कौन सी, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है और एक जगह क्या है, डिस्टेंस, बस इतना ही याद रखना है। तो हम और एक एग्जांपल मतलब एक पॉइंट ले सकते हैं, वो है एग्जांपल, क्योंकि एग्जांपल विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड ऑल दिस टॉपिक। ओके, जितने सारे टॉपिक्स हमने लिए है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको एग्जांपल देना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर आप नहीं देते हो, इस जो 7 पॉइंट है, 7 पॉइंट में से आप कोई भी 4 या 5 पॉइंट अगर लिख लेते हो तो आपको 2 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स मिल जाएंगे आराम के साथ। देखिए एग्जांपल क्या है, अ ट्रेन इज गोइंग टुवर्ड्स द साउथ विद एवरेज स्पीड, उसकी जो स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर है और वेलोसिटी भी उसकी कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर। ओके, दोनों की जो स्पीड है वो कांस्टेंट है बट डायरेक्शन चेंज हो रहा है, दैट्स व्हाई वेलोसिटी यहाँ पे आती है। और यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो स्पीड है हमारी वो 50 है बट वेलोसिटी जो 0 से 30 पर उसका इंक्रीज हुआ, देन 50 हुई, देन 70 हुई। ओके, इस तरह से जो एवरेज स्पीड है वो कांस्टेंट रहने वाली है बट उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है। इतने अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे डिफरेंशिएट किया है, 7 पॉइंट्स को इतना टाइम लगाया हमने, अच्छे से पॉइंट कवर अप कर लिए है।